आपके परफ्यूम भैया वापस आ चुके हैं तो ब्रांड न्यू वीडियो। क्या हाल है मेरे जान, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका विनीत गौर और आप देख रहे हैं व्हाट द डूड। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है दोस्तों, बिकॉज मैं आपको एक ऐसे फ्रेग्रेंस का रिव्यू देने वाला हूं जो मैस्कुलिन है, सेक्सी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यार इंडिया में ये आपको डिस्काउंट में मिल रही है। मैं इसको दुबई से लेके आया था, मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ा था, पर इंडिया में इसका रेट बहुत सही चल रहा है। मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं ऑन जैगुआर पेस। जिन मेरे भाइयों को जैगुआर एज अ ब्रांड के बारे में पता है ना, उन्हें तो इस परफ्यूम के बारे में आइडिया है ही, पर जिन्हें नहीं पता है भाई, जैगुआर ना प्रीमियम फ्रेग्रेंस, डिजाइनर फ्रेग्रेंस बनाता है इन अ बजट, जो बेसिकली आप अफोर्ड कर पाओ एंड आपको क्वालिटी भी प्रीमियम मिले। ये वाले फ्रेग्रेंस को मैंने दुबई से मंगाया था, पर मैं आपको आज की वीडियो में इन डिटेल बताने वाला हूँ ये फ्रेग्रेंस आप इंडिया में ओरिजिनली पहली बार कहाँ से खरीद सकते हैं। मेरे को दो से तीन लोग हैं जिसको ओरिजिनल बेच रहे हैं, ये फ्रेग्रेंस कैसा है, कहाँ पे लगा के जाना बहुत अप्रोप्रिएट है, बिकॉज एज आई ऑलवेज से हर फ्रेग्रेंस हर ओकेजन के लिए नहीं होता। अगर आप फ्रेग्रेंस को ओकेजन के हिसाब से लगा के जाएंगे ना, ज़्यादा स्टाइलिश और सेक्सी भी रहेंगे। ऑल्सो अगर आपको नहीं पता है, हमारे चैनल पे मंथली रिवॉर्ड प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आप बहुत कुछ चीज़ें जीत सकते हैं। उसके बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक भाई साहब पूरा देखें। जल्द से नीचे कमेंट करके मुझे ये बताइए, अगर आपको जैगुआर का कोई भी एक परफ्यूम फ्री में मिले तो आप कौन सा लो। सबसे पहली बात तो मैं जरूर कहूंगा यार कि यार इस फ्रेग्रेंस को अपने कलेक्शन में रखना ना एक थोड़ा क्लास स्टेटमेंट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लुक एट दिस बॉटल यार, ट्रांसपेरेंट बॉटल है जिसके फ्रंट पे आप जैगुआर का लोगो देख सकते हो, पेस वहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत क्लासी बहुत प्रीमियम है लिटरली यार। ये टाइप का फ्रेग्रेंस अगर कोई देखेगा ना तुम्हारे शेल्फ में, तुम्हारे पास है, कोई तुम्हें फुकरा कभी नहीं समझेगा, ठीक है। पहली बात तो ये फुकरों के लिए है भी नहीं। अगर मुझे जैगुआर पेस की फ्रेग्रेंस को दो शब्दों में अगर डिफाइन करना है ना, तो मैं इसको डेफिनेटली कहूंगा कि ये फ्रेश है एंड स्पाइसी। जैगुआर पेस के ना जितने भी मेजर नोट्स है ना यार, वो ज्यादा स्पाइसी नोट्स रखे गए एंड वार्म नोट्स रखे गए। अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये फ्रेग्रेंस मैं दिसंबर के अपने वीडियो में रिलीज कर रहा होता ना, तो दिस इज द परफेक्ट विंटर फ्रेग्रेंस दैट यू कैन हैव। मतलब बजट में अगर विंटर फ्रेग्रेंस बोलता ना मैं, तो इसको मैं लास्ट ईयर जरूर ऐड करता, पर ये साल तो आने ही वाला है। बट ये सिर्फ विंटर के लिए नहीं है मेरे भाई, ये प्रॉपर पार्टी फ्रेग्रेंस भी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नोट्स को लेकर, जिन भाइयों को इसके नोट्स के बारे में जानना है। इसके टॉप नोट में है ब्लैक पेपर, रोजमेरी एंड ग्रीन एप्पल। इसके मिडिल नोट में मिलेगा आपको लैवेंडर, कैशमेरान एंड ऑरेस। जिसे ऑरेस के बारे में नहीं पता यार, ऑरेस इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट रेयरेस्ट फ्लावर आउट देयर जो फ्रेग्रेंस में यूज की जाती है। अभी से नहीं, एंशियंट ग्रीक टाइम से यूज हुआ जा रहा है। लाइक अभी के टाइम पर तो इतना पॉपुलर चल रहा है यार कि ये फ्रेग्रेंस के साथ साथ तो मेडिसिन के सिरप होते हैं ना, उसमें भी यूटिलाइज किया जाता है। एक वॉलेट कलर के फ्लावर को इमेजिन करो जिसके अंदर से हल्की सी स्वीट, हल्की सी आई वुड से अर्थी फ्रेग्रेंस, वार्म फ्रेग्रेंस आती है। कैसा लगा हिस्ट्री लेसन? आगे बढ़ते हैं। इसके बेस नोट में है पैचोली, लैवेंडर एंड क्रिस्टल मॉस। मॉस की जो फ्रेग्रेंस होती है ना, वो थोड़ी स्वीट होती है, थोड़ी सी वार्म होती है। अब जिसको नोट से कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ ये समझना है कि भाई ये फ्रेग्रेंस कैसी मुझे बताओ, मुझे कहीं हेडेक तो नहीं होगा एंड वो सारी चीज़ें, तो मैं सीधी भाषा में बताता हूँ। या जब इस फ्रेग्रेंस को आप पहली बार अप्लाई करोगे ना, आपको ये दो टाइप के एसेंस बहुत स्ट्रांगली आते हैं। वो सबसे पहला है फ्लोरल स्वीट फ्रेग्रेंस जो फ्रेश लगती है, एंड दूसरा है स्पाइसी नोट जैसा पेपर हो गया, ठीक है, जो पेपर की खुशबू होती है ना। ऐसे अगर आपको मैं बताऊं तो इमेजिन करो आप कोई फ्रेश फ्लावर, ठीक है, जैसे आपकी लिली हो गई या रोज़ हो गया या किसी टाइप का एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस को इमेजिन करो, ठीक है। उसके साथ आप थोड़ा सा एसेंस मिलाएंगे कि भाई आपको कुछ स्पाइसी नोट्स मिल रहे हैं, थोड़े मसालों की फ्रेग्रेंस होती है ना स्पाइसी, पेपर की एग्जैक्ट फ्रेग्रेंस आप पकड़ के चल लो यार, वो तो आपके किचन में मिल जाएगी आपको उसकी एसेंस है कैसे। तो जब आप इन एलिमेंट्स को मिलाओगे ना, तो उससे जो एसेंस बनती है उसका मेजर कंपोजिशन है ये फ्रेग्रेंस। क्या ये इतना स्वीट है कि आपको हेडेक आ जाए? डेफिनेटली नॉट। पर हाँ, अगर आपको हो जिसको स्पाइसी फ्रेग्रेंस नहीं पसंद है, देन शायद हो सकता है आपको ये फ्रेग्रेंस पसंद ना आए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट है, जितने लोग हमारे चैनल पे हैं, जितने लोग मुझसे आज तक कनेक्ट कर रहे हैं, जिनको मैंने हेल्प आउट किया, ज़्यादातर लड़कों को मैंने देखा है 99% लड़कों को स्पाइसी फ्रेग्रेंस पसंद आती है। अगर स्टिल इफ देयर इज 1% जिसको स्पाइसी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आती, देन दिस माइट नॉट बी फॉर यू। प्रोजेक्शन को लेकर बात करते हैं, मतलब जब आप फ्रेग्रेंस को अप्लाई करेंगे तो कितने दूर तक पता चल रहा है कि आपने कुछ महंगा चीज़ लगाया है। तो यार पहले के 30 मिनट में ना इसकी प्रोजेक्शन 1 फीट की। एंड अगर मैं बात करूँ लॉन्जिविटी को लेके, मतलब जिसे नहीं पता है लॉन्जिविटी का मतलब क्या होता है उनके लिए, कि फ्रेग्रेंस जब आप अप्लाई करोगे तो वो कितना लॉन्ग लास्टिंग रहता है, कि मतलब पता चल रहा है आपने कुछ लगाया हुआ है, ठीक है। इसकी जो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस रहने वाली है ना, मतलब आपका टॉप नोट एंड मिडिल नोट, वो मेजरली रहने वाला अप टू 3 आवर्स, एंड 3 आवर्स के बाद उसका बेस नोट किक इन करेगा एंड वो धीरे धीरे लिंगर ऑन करेगा आपके स्किन पे 2 से 3 घंटा और। मतलब आपको जो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस चाहिए वो आपको 2.5 से 3 घंटा मिलती है, एंड उसके बाद धीरे धीरे लिंगर ऑन करना शुरू कर। ये मैं कह रहा हूँ जब आप इसको अपने स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो इसको अपने कपड़े पे लगाने का, दिस इज ऑल अप टू यू, तब वहाँ पे आप 2 घंटा और पकड़ के चलो। याद रखना दोस्तों, ये 100 ml का EDT है, ईओडो टॉयलेट है, तो इसका परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्शन एक EDP से अलग ही होने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो मेरे सिंगल लॉन्डर जो 14 Feb के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनको बता दूं मैं कि ये फ्रेग्रेंस है लड़कियों को भी बहुत पसंद आता है। ये फ्रेग्रेंस कौन से ओकेजन के लिए एकदम परफेक्ट बैठता है? ये आपके पार्टीज के लिए, वेडिंग रिसेप्शन के लिए, अभी कोई कॉकटेल फंक्शन हो रहा हो, एनीथिंग विच इज रिस्पेक्टेड टू अ इनक्लोज एरिया जहाँ AC वैसी वाली इन्वायरमेंट है, वहाँ पे ये फ्रेग्रेंस एकदम सॉर्टेड है।
एंड अगर आप डेट नाइट के लिए सोच रहे हो उसके लिए भी बढ़िया। प्राइसिंग में यार मैंने इसको इंडिया के बाहर से लिया था तो मुझे थोड़ा अलग रेट पड़ गया। इंडिया में रिटेल में इसकी प्राइसिंग पड़ रही है कुछ अराउंड 2800 to 3000 rupees। ऑनलाइन इसकी जो प्राइसिंग पड़ेगी आपको ले देके कुछ 2300 to 2400 में। इंडिया में आई थिंक 3 लोग हैं जो ओरिजिनल बेच रहे हैं उसको ऑनलाइन। उस तीनों का लिंक नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर लेना है, मंगाना है तो वहीं से मंगाना। एंड अगर आपको रिटेल से लेना है तो लाइफस्टाइल है, शॉपर स्टॉप है, पार्कोस है, वहाँ से खरीद सकते हो, बट देन रिटेल का हिसाब लग जाएगा। अभी लिटरली मेरे पास इतने जैगुआर फ्रेग्रेंस हो गए ना कि मैं सोच रहा हूँ ऐसे टॉप 5 जैगुआर फ्रेग्रेंस की वीडियो निकाल दूँ। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो भाई ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू एंड जैगुआर पेस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आप इस टाइप के प्रोडक्ट्स जीतना भी चाहते हो ना तो आपको मंथली रिवॉर्ड प्रोग्राम्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना है, आपके लाइफ का सिर्फ एक मिनट जाने वाला है। नीचे मैंने अपना एक फीडबैक फॉर्म डाल के रखा हुआ है जिसमें मैं आप लोग से सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फीडबैक फॉर्म पर जाएं एंड मुझे बताएं आपको इस वीडियो में क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको ऐसा लगता है कि हमें इंप्रूव करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। कोई भी क्रिटिसिज्म हो यार मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत अच्छे लगते हैं, वो हमें ही हेल्प करेंगे सो दैट हम आपके लिए बेटर वीडियो बना के लेके आ पाए नेक्स्ट टाइम। जितने भी लोग उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले हैं यार उनको मैं मैन्युअली चेक करने वाला हूं एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट्स को हम देने वाले मंथली रिवॉर्ड। ऑल इन ऑल मेरी जान मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा है ना तो थोड़ा सा छोटी सी बात करूंगा कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट और लोगों तक जाए हमारे चैनल के वीडियोस, और लोगों तक पहुंचे, उनको भी कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिले, हमारे पास भी कुछ न्यू मेंबर फैमिली में ज्वाइन करें। इसके बिसाइड अगर हम उससे बात करना चाहते हैं यार तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, मैं हर जगह एक्टिव हूँ। वहाँ पे आइए, मुझे DM कीजिए, मैसेज कीजिए, बात करते हैं। कोई भी आपका प्रॉब्लम है अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ तो डेफिनेटली करूँगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ पर भी रहे सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी आपको ऐसे कुछ और कमाल की वीडियोज के साथ। तब तक के लिए मेरे डूडा में बाय।